बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ खमल, वेलकम टू एजुकेशन वार्ड। मेरे पास पास्ट पेपर नंबर 10 है, आज उसको हम सॉल्व करते हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। इसका पहला एमसीक्यूज है, इन नॉर्म रेफरेंस टेस्ट द कंपैरिजन इज़ बिटवीन। नॉर्म रेफरेंस टेस्ट को NRT भी कहते हैं, ये इंडिविजुअल होता है। राइट ऑप्शन इसका क्या है, मेरे पास बी है। CAI जो है स्टैंड फॉर कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। राइट ऑप्शन इसका हमारे पास बी है। ये MCQ जो है इम्पॉर्टेंट है, ये बार बार रिपीट हो रहा है। स्टाफ डेवलपमेंट मींस ट्रेनिंग स्टाफ। राइट ऑप्शन इसका सी है। WWW स्टैंड फॉर वर्ल्ड विथ वेब है। राइट ऑप्शन इसका हमारे पास ए है। विच थ्योरी स्टेट्स दैट लर्निंग टेक प्लेस एज ए होल, ये गेस्टाल की थ्योरी है। जहाँ पे की पॉइंट एज ए होल होगा उसके साथ गेस्टाल थ्योरी आती है, या कोलर अगर होगा तो कोलर का आप कहेंगे। इसको थ्योरी ऑफ इंसाइड भी कहते हैं। थिंकिंग विद द एम्स ऑफ प्रोसीडिंग वन करेक्ट आंसर इज, यहाँ पे वन करेक्ट आंसर होता है उसके साथ कन्वर्जिंग थिंक आता है, मोर करेक्ट आंसर होता है तो उसके साथ आता है डाइवर्जेंटिंग थिंकिंग आता है। SNE जो है एब्रीविएशन ऑफ शेड्यूल ऑफ न्यू एक्सपेंडिचर है। राइट ऑप्शन इसका हमारे पास सी है। बाज बुक में इसका आंसर बी लिखा हुआ है, सिस्टम ऑफ ए न्यू एंट्री। यहाँ पे ये गलत है, लेकिन राइट ऑप्शन इसका सी है, शेड्यूल ऑफ न्यू एक्सपेंडिचर वाला है। चेंजिंग एजेंसी इन आवर एजुकेशन सिस्टम इज, चेंजिंग एजेंसी हमेशा टीचर होता है। डायलेस्टिक मेथड वाज डेवलप्ड बाय, डायलेस्टिक मेथड जो है स्क्रॉच के है। BOS जो है स्टैंड फॉर बोर्ड ऑफ स्टडीज है। राइट ऑप्शन इसका हमारे पास ए है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग मेड ए टेस्ट इज, टेस्ट के जो अहम ऑब्जेक्टिव होते हैं टेस्ट बनाने के लिए वो होते हैं एवलुएटिंग दी एकम्पलिशमेंट। राइट ऑप्शन इसका हमारे पास सी है। इसके बाद MCQs है 12 है। 12 में है द बेस्ट सैम्पल सिलेक्टेड फॉर रिसर्च पर्पस इज वन दैट, रिसर्च पर्पस के लिए जो हम सैम्पल जो है सिलेक्ट करते हैं वो होता है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए पॉपुलेशन, ये है बेस्ट इसका सैम्पल। राइट ऑप्शन इसका सी है। एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच डील्स विद टीचिंग एंड लर्निंग इज डिफाइंड बाय, टीचिंग एंड लर्निंग जो है ये स्किनर का है। राइट ऑप्शन इसका सी है। द कंसेप्ट ऑफ IQ वाज फर्स्ट क्रिएटेड बाय, IQ का जो कंसेप्ट है पहले किसने दिया था, सैटर्न ने दिया था। राइट ऑप्शन इसका ए है। Planned and systematic efforts by open system of education to provide the individual with second chance of education is called, ये कहलाता है non-formal education। यहाँ पे second chance दिया जाता है उसको क्या कहते हैं, non-formal education कहलाता है। A study in depth is carried out in, यहाँ पे study जो है deeply की जाए वो क्या कहलाती है, case study कहलाती है। Efforts of teaching methodology on students learning is an example which kind of research, ये कहलाती है केसल कंपिटेटिव कहलाता है। राइट ऑप्शन इसका ए है। सैम्पल साइज फॉर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च बी, एट लीस्ट एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का जो सैम्पल साइज होता है वो 30 होता है। राइट ऑप्शन इसका डी है। थ्रू द पायलट स्टडी वी मेन इंश्योर, पायलट स्टडी हमेशा वैलिडिटी में आती है। प्रोग्राम लर्निंग इज़ एन एग्जांपल ऑफ सेल्फ स्टडी कहलाता है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1979 पुट एम्फेसाइज ऑन, ये स्पेशल एजुकेशन है। राइट ऑप्शन इसका हमारे पास ए है। द एजुकेशन कमीशन ऑफ 1959 वाज इस्टेब्लिश ड्यूरिंग द गवर्नमेंट ऑफ, ये जनरल अयूब खान की थी। मोर गेसिंग इज पॉसिबल थ्रू, गेसिंग का क्या है हमारे पास, ट्रू फॉल्स में आता है। द टोटल सम ऑफ एजुकेशनल एक्सपीरियंस प्रोवाइड बाय स्कूल टू स्टूडेंट्स,
to bring desired change in their knowledge, the attitude and skill is called, ये कहलाता है कैरिकुलम कहलाता है, जहाँ पे तालीमी एक्सपीरियंस होते हैं, एजुकेशनल एक्सपीरियंस होते हैं, उसके साथ क्या आता है कैरिकुलम्स आता है। इसके बाद हमारे फ्री फॉर ऑल, फ्री फॉर ऑल जो है थी क्लास में क्या होता है लर्नर सेंटर कहलाता है। द पर्पज़ ऑफ हेल्प टीचर टू इम्प्रूव इंस्ट्रक्शन इज नेम एस, ये कहलाता है सुपरविजन कहलाता है। इन पोस्ट कर सी ओ जो है स्टैंड फॉर कोऑर्डिनेशन कहलाता है। द सक्सेसफुल एंड सिस्टोमेटिक एकेडमिक वर्किंग ऑफ ए क्लासेज इन द स्कूल डिपेंड्स ऑन, ये कहलाता है टाइम टेबल। स्कूल का जो तमाम काम है एकेडमिक वो किस पे मुनसर है, टाइम टेबल पे। ऑन विजिट एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर रिमार्क्स आर रिकॉर्डेड इन, जब एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर स्कूल के लिए विजिट के लिए आते हैं तो वो अपने मार्क्स लॉग बुक में लिखता है। राइट ऑप्शन इसका डी है, लॉग बुक। पॉजिटिव क्लासरूम एनवायरनमेंट कीप्स द स्टूडेंट मोटिवेटेड करता है, लर्निंग को करता है। एलिमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अकॉर्डिंग टू लोधर गुलिक आर एक्सप्लेन एज, पोस्ट कर्ब। राइट ऑप्शन इसका हमारे पास बी है। लेटेस्ट ट्रेंड इन यूज ऑफ टीचिंग स्ट्रेटजी इन द क्लासरूम इज, ये होते हैं AVATs होते हैं। मैक्रो टीचिंग टेक्निक इज यूज टू प्रिपेयर द टीचर के लिए होती है। ये 1961 में बनाई गई थी मैक्रो टीचिंग, ये स्किल्स पे थी टीचर्स के। क्वालिटी टीचिंग इन पाकिस्तान इज बीइंग इंप्लीमेंटेड इन रियल सेंस एट लेवल ऑफ स्कूल एजुकेशन कहलाता है। मोस्ट इग्नोर एक्सेप्ट इन एजुकेशन फील्ड, जो सबसे ज़्यादा इग्नोर की जाती है वो ट्रेनिंग ऑफ ए टीचर है। राइट ऑप्शन इसका हमारे पास क्या है, बी है। ECE जो है सिस्टम इन पब्लिक सेक्टर ऑफ पाकिस्तान हैज़ फेल्ड। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन इज ए लैक ऑफ, हमारे पाकिस्तान में किस चीज़ की कमी है, ट्रेनिंग और ट्रेनिंग टीचर की है। राइट ऑप्शन इसका हमारे पास बी है, ट्रेनिंग टीचर की है। इन कॉग्निटिव डोमेन, कॉग्निटिव डोमेन में द हाइएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग जो है वो कहलाता है एवोल्यूशन होता है। राइट ऑप्शन इसका हमारे पास बी है। स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन ऑफ एजुकेशन इज फाउंड इन, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन एजुकेशन किस में होता है, सख्ती किस पे होती है, फॉर्मल एजुकेशन में होती है। राइट ऑप्शन इसका हमारे पास ए है। इसके बाद हमारे पास MCQs है। करिकुलम मीन्स ये होता है प्लान चाइल्ड एक्सपीरियंस होता है। यूनेस्को कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन कराची परपज दैट ईच एशियन डेवलपमेंट कंट्री मस्ट स्पेंड परसेंटेज ऑफ GNP ऑन एजुकेशन। जी से मुराद है ग्रांट नेशनल प्रोजेक्ट, ये 4% होता है। द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्लान एंड पॉलिसी, पॉलिसी इज ब्राइडर इन स्कोप दैन प्लान। राइट ऑप्शन इसका ए है। द एजुकेशन दैट ए पर्सन रिसीव फ्राम बर्थ टिल डेथ इज कॉल्ड, ये इनफॉर्मल कहलाता है। ऑल फ्लोइंग द डिसीजन आर टेकन एट इंस्टीट्यूशनल लेवल एक्सेप्ट, ये सिलेबस एंड वेस्टेज होता है। करिकुलम चेंज इज फॉलो बाय करिकुलम एवोल्यूशन कहलाता है। PIT इज अब्रीवेशन ऑफ प्रोविंशियल इंस्टीट्यूशन ऑफ टीचर एजुकेशन होती है। राइट ऑप्शन इसका सी है। ट्रेडिशनली करिकुलम मीन्स होता है ए लिस्ट ऑफ ए टॉपिक फॉर टीचिंग। आइडियोलॉजी बेसिस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट कैन ही ड्राइव्ड फ्रॉम, ये होता है फिलोसॉफिकल फाउंडेशन होती है। राइट ऑप्शन इसका बी है। द मोटिवेशन टू डू समथिंग फॉर इट्स ओन सेक, ये इंट्रिंसिक कहलाता है, ओन के साथ हमेशा इंट्रिंसिक मोटिवेशन कहलाता है। हायरार्की ऑफ ह्यूमन नीड्स, ये मैस्लो की है। सुपरविजन इज कैरेक्टराइज करता है बाय लेटेस्ट ट्रेंड ऑफ स्कूल इंस्पेक्शन, इसका राइट ऑप्शन हमारे पास है ए है। सुपरविजन जो है क्या कहती है,
इनिशियल एक्टिविटीज मैनेजमेंट प्रोग्राम कहलाती है लीडर्स हु इनकरेज देयर फ्लावर्स टू बी मोर एक्टिव आर नोन एज ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स कहलाता है। राइट ऑप्शन इसका ए है। एपिस्टेमोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ फिलॉसफी दैट डील्स विद नॉलेज। एपिस्टेमोलॉजी का ताल्लुक नॉलेज के साथ होता है। एक्सियोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ फिलॉसफी दैट डील्स विद वैल्यूज़ के साथ होता है। एजुकेशनल इज़ दी प्रोसेस फॉर द क्रिएशन ऑफ ए साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी। ये डेफिनेशन है एरिस्टोटल की है। टेबल ऑफ ए स्पेसिफिकेशन हेल्प करती है इन टेस्ट डेवलपमेंट पे। इसको टेस्ट ब्लूप्रिंट भी कहते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ टीचिंग प्लान का होता है ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। द सोर्स ऑफ अचीविंग एजुकेशन ऑब्जेक्ट इज मेनली बेस्ड ऑन कैरिकुलम एवोल्यूशन होता है। मेजर फंक्शन ऑफ पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड इज ये होता है प्रिंटिंग बुक होती है। बोर्ड फील्ड करिकुलम इज मॉडिफिकेशन ऑफ ये होता है सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम होता है। रिफ्लेक्शन ऑफ जॉन डेवी थॉट आर सीन इन ये होता है एक्टिविटी सेंटर करिकुलम। नॉलेज इज कंपार्टमेंटलाइज करता है इन सब सब्जेक्ट सेंटर कैरिकुलम को। व्हेन व्हाट व्हाई हाउ इन द मेन टास्क ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी होता है। वन कंपोनेंट ऑफ कैरिकुलम इज नॉट योर डिजाइनिंग होता। परसेंटेज ऑफ नॉलेज गेन थ्रू द ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन की जो नॉलेज होती है 75% होती है। द बेस ऑन विच द सब्जेक्ट एक्टिविटी एंड एक्सपीरियंस आर प्लान्ड फॉर स्कूल चिल्ड्रन आर कॉल्ड ये कहलाता है सिलेबस। लर्निंग मीन चेंज इन बिहेवियर इंटेलिजेंस लेवल ऑफ गिफ्ट स्टूडेंट का 140 से अबव होता है। इंस्टीट्यूशनल करिकुलम प्रोवाइड द गाइडेंस इन एजुकेशन प्रोसेस टू स्टूडेंट कहलाता है। चार्ट और डिस्पेज वाज प्रेजेंटेड बाय ये पेश किया था 1854 में यानी 1854 में। इंडियन एजुकेशन कमीशन वाज इस्टेब्लिश डूरिंग द प्रोपोशन of subcontinent under headship of Sir William Hunter भी कहते हैं और इसको इंडियन एजुकेशन कमीशन भी कहते हैं। ये बनाया गया था 1882 में। लॉर्ड मैकॉले रिजोल्यूशन इन द इंडियन एजुकेशन कंटेक्स्ट वाज प्रेजेंट बाय 1835। टेक्स्ट बुक बोर्ड वाज रिकमेंडेड फॉर एस्टेब्लिश अंडर ये नेशनल एजुकेशन कमीशन 1959 में था। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1972 रिकमेंडेड फ्री एजुकेशन थी 10th तक थी। राइट ऑप्शन इसका बी है। चार्ल्ड एक्ट इन एजुकेशन वाज प्रेजेंटेड बाय ये 1813 में बनाया गया था। प्रेजेंट हुआ था 1816 में। रिन्यू हुआ था 1833 में। जामिया मिलिया जो है कुड नॉट बिकम द पॉपुलर अमंग द मुस्लिम ड्यू टू इट्स अपोजिशन टू ये थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की थी। ये 1921 में बनाई गई थी। मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने इसको बनाया था। निदवतुल उलमा वाज इस्टेब्लिश ऑन द इनिशिएटिव ऑफ ये थी मौलाना शिबली नुमानी की थी। राइट ऑप्शन इसका हमारे पास ए है। इसके बाद हमारे पास एमसीक्यूज है 78 में है। काउंसिल ऑफ टेक्नोलॉजी एजुकेशन वाज रिकमेंडेड फॉर इस्टेब्लिशमेंट अंडर ये एजुकेशन कॉन्फ्रेंस थी 1947 की थी। राइट ऑप्शन इसका ए है। द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट वाज टू प्रमोट ये है साइंटिफिक लुक थी। राइट ऑप्शन इसका सी है। इन जामिया मिलिया द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन वाज उर्दू था। एम ओ हाई स्कूल वाज गिवन द रैंक ऑफ कॉलेज 1877। राइट ऑप्शन इसका बी है। ये जो था 1875 में ये स्कूल था। फिर इसको 3 साल के बाद 1877 में कॉलेज का दर्जा दिया गया था। ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ इंडियन साइंटिफिक सोसाइटी वाज इस्टेब्लिश बाय सर सैयद अहमद खान की थी। ए सिस्टम ऑफ एजुकेशन एवरी कंट्री इज यूजुअली बेस्ड ऑन नेशनल आइडियोलॉजी पे होती है। हर मुल्क की जो है एजुकेशनल सिस्टम की बेस किस पे होती है नेशनल आइडियोलॉजी पे होती है। बीइंग द सेंस ऑफ विजडम फिलॉसफी जो है सच फॉर रियलिटी कहलाता है। दियोबंद इंस्टीट्यूशन वाज टोटली जो है नॉन गवर्नमेंट की है। एक्शन रिसर्च इज एन एजुकेशन सेट अप हेल्प इन इट कैन हेल्प अप ए स्मॉल कम्युनिटी ऑफ रिसर्च ओरिएंटेड। राइट ऑप्शन इसका डी है।
द लीडरशिप ग्रांट कंप्लीट द फ्रीडम टू द मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर वर्किंग इन द इंस्टीट्यूशन, जहाँ पे फ्रीडम हो या शेयरिंग होगा उसके साथ डेमोक्रेटिक आता है। राइट ऑप्शन इसका हमारे पास क्या है, सी है, डेमोक्रेटिक। द ओल्ड कंसेप्ट ऑफ सुपरविजन इज नोन एज इंस्पेक्शन कहलाता है। थ्योरी या ब्यूरोक्रेसी जो है ये मैक्स वेबर की है। टू फाइंड आउट हाउ फार ईच स्कोर इज फ्रॉम द मीन्स वी यूज, ये कहलाते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन कहलाते हैं। इसका राइट ऑप्शन हमारे पास डी है। इसके बाद एमसीक्यूज हमारे पास है 91 है। 91 में हमारे पास है विच स्केल रिप्रेजेंटेटेड द लोएस्ट लेवल ऑफ ए मेजरमेंट। मेजरमेंट का जो लोएस्ट लेवल होता है वो कौन सा है, वो कहलाता है नोमियल स्केल। यहाँ पे होता है NOR, आपको याद है N से मुराद है नोमियल, O से मुराद है ऑर्डिनल, R से मुराद है रेशियो स्केल। अब सबसे लोएस्ट जो है नोमियल है, हाईएस्ट क्या है, रेशियो स्केल है। नॉन वोकेशनल एम्प्लॉयज इज कंसिडर्ड एज, नॉन वोकेशनल में प्रिंसिपल आता है, क्लर्क वगैरह आते हैं। द एजुकेशन एक्वायर्ड विद आउट एंड विद साइंटिफिक पर्पज, फिक्स्ड पीरियड एंड प्लेस बी मार्क्ड एज, यहाँ पे विद आउट का की पॉइंट है, विद आउट किस में आता है, इनफॉर्मल एजुकेशन में आता है। द कंपल्सरी एलिमेंट ऑफ स्टूडेंट लर्निंग इज, स्टूडेंट लर्निंग क्या कहते हैं, डिजायर टू नो, राइट ऑप्शन इसका सी है। द ब्रांच ऑफ फिलासफी इज मैंस इशूज Pertaining to the nature of reality deals with, यहाँ पे reality का ताल्लुक है, reality का ताल्लुक metaphysics के साथ होता है, right option इसका भी है। The realistic aims of education ये होते हैं totally development of personality पे होते हैं। Play way method of teaching has been emphasized in the scheme of the education of, ये जो है play way जो दिया था ये रोसो का है, इसको नेचुरलिस्ट कहते हैं। राइट ऑप्शन इसका ए है। विच इज़ द करेक्टरिस्टिक ऑफ द प्रोजेक्ट मेथड यूज फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड पर्सनैलिटी, राइट ऑप्शन इसका सी है। करेक्टरिस्टिक ऑफ द प्रोजेक्ट मेथड ये है यूज फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट फॉर चाइल्ड चाइल्ड पर्सनैलिटी पे आता है। हु वाज द 20th century एग्जिस्टेंशनलिस्ट, ये आता है जॉन पॉल सेटर है, राइट ऑप्शन इसका सी है। द फाउंडर ऑफ अंजुमन हिमायत इस्लामिया वाज, ये थी खलीफा मजदुद्दीन की थी, राइट ऑप्शन इसका हमारे पास भी है। आज का हमने कम्प्लीट पेपर सॉल्व कर दिया है। अल्लाह ताला आप लोगों का हामी नासिर हो। दो में याद रखिए। अल्लाह हाफ।